गाइस रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं। देख रहा है मुझे जगह पे खुशी। अच्छा 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 मैं उनकी लात घुसे हमारा सब खाई है। तो वेलकम गाइस नए व्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा दिवाली आने वाली है मात्र 2 या 3 दिन में। तो हमारी एक बहन है गोरखपुर गई थी पढ़ने के लिए नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए। वो हमारी चाची की लड़की है, वो कल आने वाली है। और सबसे तो गाइस सबसे बड़ा खेल तो ये है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है। ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, उठना भी उठा जाता नहीं है। 7-8 बजे उठता हूँ मैं तो। कोई नहीं, उठ जाएंगे। बहन आ रही है, बहुत टाइम बाद आ रही है, कम से कम 3-4 महीने बाद आ रही है। और उसके बाद ये है कि बहुत टाइम बाद आ रही है तो मैं सोचा ब्लॉग भी बना लेता हूँ और घर वालों से मिलेगी तो अच्छे अच्छे रिएक्शन भी मिलेंगे देखने के लिए। और हमारा एक डॉगी भी है चाची के घर पर है, वो देखना एकदम पागल हो जाएगा देख के उसको। वो उससे बहुत बहुत प्यार प्यार करती है वो भी, और वो भी उससे भी। दोनों दिखाऊंगा कल आपको, डॉगी से मिलवा दूंगा। फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग में आज तक कभी लिया भी नहीं उसको। बाकी मैं आपको सुबह मिलता हूँ, जब उठूँगा आके देखेंगे तो नींद से भरी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए 4:08 और सभी को जय श्री राम। चलते हैं बाहर, भाई का आ गया फ़ोन। बाकी मुझे कुछ मिठाई मिल गई खाने को सुबह सुबह। तो गाइस देखो भाई खड़ा है गाड़ी लेके हमारा। बैग गेट तो खोल दो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। चलो गाइस फिर बैठ गए हम, बहन को लेने फिर। ठीक है, कहाँ जाना है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। चलो ठीक है, बंद कर दो कॉपी हट जाएगा। इस रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच गए हैं। अभी बहन को आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। हम जल्दी आ गए पहले। तो गाइस रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े खड़े कम से कम आधा एक घंटा तो हो गया, आधा घंटा तो हो गया ना। हाँ अभी तक आई नहीं है वो रेल, उसकी ट्रेन रुक गई है कहीं पे रास्ते में, पता नहीं क्या हो गया। 20 मिनट लेट है। एक चाय तो पिला दी है, दूसरी चाय पिला दो भाई। चलेंगे अभी, चल उसके उसके सामने पे है क्या? नहीं तो चलते हो। आओ चल लेगा, चाय चाय पी ले यार, खाली बैठे नींद ही आ रही है हमें। चलो चाय बनाना भाई, दो चाय कर दो भैया, दो चाय कर दे रहे हमारे लिए, कर दो। गाइस बहन आ गई अंदर, जा रहे हैं लेने उसको। बाकी मैं दिल्ली में रह गया ना, पहली बार आ रहा हूँ रेलवे स्टेशन पर है। आ जा चल ले, ध्यान मत दीजिए। तू जा पहले अंग्रेजों से ये पूछ क्या, भगत सिंह को जानते हो? ये सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। थोड़ा तेज बोल। ये सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? नहीं, ये भगत सिंह को जानते होंगे, उनकी लात घूसे मार सब खाई है। तो तो गाइस हमारी बहन हमें मिल गई है, ये रही। कैसी है? बढ़िया बढ़िया। ला वेटर साहब आ गए बैग उठाने के लिए। चल बाकी बाकी बातें गाड़ी में करेंगे। गाइस ये बैग खाली इसलिए लाई है कि बैग भर के ले जाएगी, जब जाएगी दोबारा बैग भर के। विंटर वाले नहीं, कपड़े लत्ते खाना पीना आइटम पता क्या क्या भर भर के ले जाएगी। आ जाओ बैठो, ओ गाड़ी खोलो भाई, खुल गया। तो गाइस बैग वैग रख दे, रुक जाओ मैं आगे करूँ सीट। चलो ठीक है, तो बैठ गए गाइस फिर हम। अब हम चल रहे हैं घर। तो खुशबू सबसे ज्यादा तेरे मिलने की इच्छा किससे है? लाला से। ओ मैंने कहा था ना लाला से ही मिलेगी, और लाला भी देखना एकदम पागल हो जाएगा देख के मिलके उसके। चल ठीक है, मम्मी पापा से नहीं मिलना क्या? पापा से तो गले लग के वो फीलिंग एक्सप्रेस हो जाएगी, लाला को कैसे बताया जाएगा उसका पता ही नहीं है। हाँ ये बात सही कह रही है भाई। और मम्मी पापा से तो बात भी हो जाती है। हाँ लाला से होती भी नहीं वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे वो मोह करके रहा था। हाँ खुशबू और कुछ बोलना चाह रही है? तो मैं घर के खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो भी मम्मी के हाथ का खाना। गाइस हमारी बहन ने कम से कम 3 दिन से खाना नहीं खाया, भूखी प्यासी है।
लेकिन महीने से मैस का खाना खा रही है। हाँ, मैस का खाना खा रही है, तो उसे अब घर का खाना खाना है। क्या खाना है? दाल चावल। आज तो पक्का कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया होगा चाची ने। पता तेरे लिए पीछे सुबह से कितने बजे आ रखे, कितने बजे आ रखे हम? 4 बजे के आ रखे। 4 तो आए यहाँ पे, तो उठे तो हम 3:30 बजे घर से। भाई होने का अच्छा कर्तव्य। राखी के पैसे मत मांगे हो, यही है। तो बोलने वाली थी ये चीज। राखी का, दिवाली का, भैया दूज का सब एक साथ। अगर कोई मेरा भाई मुझे कंटिन्यू देख रहा होगा तो राखी में मैंने कहा था ना कि गिफ्ट दूंगा, तो यही गिफ्ट है वो। ठीक है, ये सब राइज दे ले भाई। 4 मिनट का बहुत हिम्मत होती है आने की। यहाँ आंखों में नींद भर रही है, तू तो मस्त सोच सोती आ रही है भाई। एसी वाली ट्रेन में मस्त खाती पीती सोती आ रही है, बोल। और हम अब खा लेना जाके, हम चाय पी रहे हैं दोनों सुबह से। चल घर पहुंच चुके हैं। खुश है बहुत ज़्यादा। गाइस वहाँ से कोई व्लॉग बना रहा है, अभी दिखाता हूँ लाला के रिएक्शन। बोले पहले बाहर के लोग और मिले देश पहले। भरत मिला हो रहा अम्मा से। हाँ बहुत देर बाहर घूम के कर रहे हैं और क्या। हेलो राधे राधे। हेलो हमारी गोरखपुरी आ गई है। आंटी जी वो खड़ी लाला तो चला गया। इतने लोग देख के डर गया। घर का बंदा नहीं मिल रहा, बाहर का बंदा मिल रहा है। लाला को बुलाया, लाला तो मेन है। गाइस ये डर रहा है थोड़ा सा ना, करता भी है ऐसे कर। मिलने में हां और मिला अपना से चढ़ गया। अरे तेरे लिए चाहिए दो खुशी देख रहा है, खुशी देख रहा है खुशी। अच्छा 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 नहीं कर। अरे गाइस खुशी देख बस की। हां मेरे बच्ची। हां ओके रे दीदी आ गई मेरे लाला की। अरे सब पूछ लेगा एक बार में। छोड़ दे बस। हां बेटे मुझे भौंक रहा है। वीडियो बना रहे हो? भैया मेरे पे भौंक जा रहा है तो। ये वीडियो बना रहे हैं। आइडिया ला रहा है। हां कौन तो आ रहा है भाई? तो गाइस चाची भी मिल ली फाइनली, सबकी खुशी हर बार है। चाची कैसा लग रहा है? चाची बता रहा है अच्छा। चाची ने सिर्फ सिबलिंग मान रखा सर पे। चाची वहां चाची भी नहा के आई है इसलिए। तू आ जा
आज हम मिलते हैं मम्मा से मिलते हैं। तो गाइस मैं अभी दादी के घर से अपने घर आ गया था और मेरे को कपड़े भी चेंज करने पड़ गए, वो इसलिए क्योंकि मम्मी का ऑर्डर आया है कि दिवाली की सफाई करनी है, बस इसे कपड़े चेंज कर लिए मैंने। अब अभी दिखाता हूँ घर में लोग क्या क्या कर रहे हैं। गाइस मम्मी सब्जी काट रही हैं। कौन सब्जी मम्मी है? मेथी बनेगी। और अंदर ओ तेरी आज तो भैया क्या बना रहा है? क्या ये वड़ा पाव? वड़ा पाव ये बना के किसी और ने दिया होगा, बस ये सेक रहा है, सेकने में अच्छा काम कर लेता है। आज कैसे भैया कैसे? संडे खाली है, घर तो करेंगे नहीं कुछ। हाँ चलो ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, बाकी मैं सफाई करता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपको, ठीक है? तो गाइस भाभी यहाँ चटनी बना रही है, बहुत हल्ला हो रहा है भाभी को चटनी बनाने को। तो गाइस अपना नाश्ता आ गया, ये भैया ने अपना तो पूरा खा भी लिया, मेरा रह रहा है। गाइस देखो आज हमारे घर में बहुत लोग सफाई कर रहे हैं, ताड़ में घुसे हुए हैं। ये मेरा क्यों बना दिया? तेरा जरूरी है, पहली बार काम कर रहा तो भाभी हमारी सफाई नीचे। तो गाइस अब हमने घर की सफाई कर ली पूरी, घर पूरा चमका दिया हमने, और नहा धो के और बैठा हूँ मैं खाना खाने के लिए। और खाने में आ जाए दिखाता हूँ, सब्जी आपकी छोले राजमा मिक्स और रोटी। तो गाइस अब मैं बाहर निकल चुका हूँ अपने वीडियो शूट करने के लिए, बच्चों साथ ले आए देखो गाइस बच्चों को डायलॉग याद करवाए जा रहे हैं कि दिवाली पे नाल लेके आनी है भाई, अनिल करवा रहा है भाई। हमारी रील तो बन गई है लेकिन एक दिक्कत आ गई कि एक ही कपड़ों में तीनों चारों ने बनाई है रील। मैं कहता भाई हमारी शॉर्ट आने वाली है बहुत तगड़ी वाली यार, सारे लोग लाइक करें कमेंट करें। हाँ यार और लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है, बच्चे पकड़ पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही है गली के। गाइस इसको देखो चौड़े में बेइज्जती हो गई इसकी। आयुष देख ले तेरा वाईफाई यूज कर रहा है। नहीं है, नहीं है, नहीं ये क्या क्या कर रहा है यहाँ पे जल्दी बता। वाईफाई चला रहा, बोलना आता नहीं, वाईफाई यूज कर रहा है इसके बाद देख ले। एक तो नहातिया दे चल जा जा आयुष देख ले भाई, उसका पासवर्ड ही पता है उसको, देख ले डाल रहा है, नहीं हो रहा है, गरीब लोगों ने बंद करके जाते हैं। उसने अपना रिचार्ज ही करा रखा है वाईफाई का रिचार्ज, गरीब गरीब रखा है। अबे आज तू तो हमसे ज्यादा गरीब निकला यार, तुम गरीब बोलते हो उससे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं बता रहा हूँ। हाँ ये गरीब इसकी आगे की लाइन खुद जोड़ लेना। तो गाइस अब हम घर आ गए हैं और हमने घर आके देखा कि हम मेरी बहन ने एक ऑनलाइन कुछ मंगाया था और ने डेकोरेशन करा, भी दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस फिर हमने खाना पीना खा लिया था और लौक खाना में बना था लौकी की सब्जी, मैं आपको दिखा नहीं पाया, बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी। और अभी के लिए आप ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बाय। अरे भाई बता दिवाली पे क्या पटाखे लाने हैं? क्या लाने हैं यार, दो चार वो चक्री वगैरह ले आएंगे, दो चार चक्री फुलझड़ी।